हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अभी देखेंगे आप मतलब कि चीन के जो समझिए कि रक्षा मंत्री हैं तो वो गायब हो गए हैं। तो ये गायब होने का सिलसिला आप देखेंगे तो जुलाई में अभी उनके विदेश मंत्री जो चाइना के विदेश मंत्री था वो गायब हो चुका था। तो अभी आपको देखने को मिलेगा मतलब जो रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर होता है वो गायब हो चुका है। तो इसको लेकर ये आर्टिकल आया था, तो आर्टिकल में ये आपको पूरी तरह से डिस्कस करूंगा और क्यों फिर गायब करता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। टोटल चीज़ें इसमें आपको पता चलेंगी, तो कृपया आप इस लोग मतलब पूरी तरह से इस वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें पता चलेंगे और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो ये तो हुआ क्या है, आपको देखने को मिलेगा 29 अगस्त के बाद से मतलब ये सेंगफू इनका नाम था, समझिए ये जो रक्षा मंत्री थे तब से मतलब 29 अगस्त के बाद इनको देखा नहीं गया है। तो ये फिर अभी दो हफ्ते हो गए समझिए, G20 सम्मेलन भी हुआ, G20 सम्मेलन में फिर नहीं आया। तो प्रेसिडेंट इसके मतलब ये भी एक कारण बताया जाता होगा कि उथल पुथल चल रही है अभी समझिए कि चीन में, उथल पुथल नहीं ये समझिए कि ये बताया मतलब ये कौन बताया है, तो जापान में देखेंगे जो अमरीकी जो रहते हैं समझिए कि राजदूत वगैरह, तो ये इन्होंने अभी एक आर्टिकल में मतलब पोस्ट किया है अपने ट्विटर से। तो इन्होंने बताया है कि देखेंगे दो हफ्तों से मतलब कि रक्षा मंत्री जो सेंगफू हैं इनको देखा ही नहीं गया है मतलब वहां पे चीन में। तो ये लेके मतलब ये पोस्ट करते हैं तब से ये पूरी तरह से न्यूज में आ चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप देखेंगे जो जुलाई महीना चल रहा था तो जुलाई में विदेश मंत्री भी गायब हो गए थे, तो अभी तक उनको देखा नहीं गया है। छिंग कांग नाम था विदेश मंत्री का, तो वो गायब हो चुके थे, फिर अभी देखेंगे प्रेस मतलब कि ये रक्षा मंत्री गायब हो गए हैं। तो ये समझिए कोई छोटा मोटा पद नहीं है जो आप विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर, जैसे आप यहाँ पे आप इंडिया में देख सकते हैं एस जयशंकर साहब गायब हो जाए, चाहे देखेंगे राजनाथ सिंह गायब हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और गायब कोई ऐसे तो होगा नहीं समझिए कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग यही गायब करते होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही गायब करते हैं। तो ये गायब क्यों, तो इस पे एक ये भी मतलब कि अब लगाया जा रहा है समझिए कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है कि इसमें तो ये डिफेंस का सौदा हुआ था कुछ दिन पहले, आप देखेंगे डिफेंस का मैकेनिकल मतलब सौदा हुआ था कुछ प्रोडक्शन मतलब कुछ सामान खरीदने के लिए, तो ये जो प्रभार था समझिए उसमें ये काम कर रहे थे, ये प्रमुख थे जो सेंगफू थे ये प्रमुख थे 2017 से लेके 2022 तक ये प्रमुख रहे थे वहां के। और फिर अब इस पे लगा है करप्शन का चार्ज लगा है, तो ये जांच चल रही है, जांच चलते में देखेंगे बीच में ही ये गायब हो जाते हैं। तो ये समझिए करप्शन का चार्ज लगा के ही गायब किया जाता है। तो अब इसमें दो सवाल उठते हैं, या तो करप्शन का सही चार्ज लगता होगा तो ये लोग गायब होते होंगे, तो गायब होने का मतलब ये नहीं मतलब कि ट्रायल चलना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ट्रायल चलता है, जुडिशरी वहां पे फैसला देगी वही चीजें होती है, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। जुडिशरी बिल्कुल पार्टी का ही बात सुनती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी ही बात सुनती है, और इसके तहत इनको गायब किया गया है। तो एक तो ये करप्शन किए होंगे तो इनको गायब किया गया होगा, या तो फिर मतलब ये विद्रोह कर रहे होंगे, तो जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें कोई भी विद्रोह करता है तो उसको गायब कर दिया जाता है, चाहे देश में भी अगर आप कुछ मतलब ऐसा फैलाते हैं जिसको कम्युनिस्ट पार्टी मतलब उसके लिए सही नहीं हो तो फिर उसको गायब कर दिया जाता है। जैसे देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल थे उनको भी गायब कर दिया गया था, और जब शी जिनपिंग देखेंगे प्रेसिडेंट बने थे तब लगभग 1400 जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उनको गायब कर दिया गया था समझिए करप्शन के चार्ज में, 4000 तो सेना के जो ऑफिसर थे उनको भी गायब कर दिया गया था करप्शन के चार्ज में। तो वहाँ पे जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब अगेंस्ट में बोलता है चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है तो उसको फिर गायब कर दिया जाता है। तो कुछ दिन पहले देखेंगे विदेश मंत्री गायब हुए थे और फिर अभी देखने को आपको मिल रहा है तो ये गायब हो गए हैं। तो दो इसमें कारण, एक तो मतलब बताया जा रहा है करप्शन की वजह से, और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में अगर कुछ भी आप करते हैं तो वहाँ पे हटा दिया जाता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको देखेंगे कि एक मतलब यहाँ पे इनका स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका से अगर युद्ध होता है तो चाइना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ये सब कुछ स्टेटमेंट इनके आए थे, तो इन सब वजह से भी देखेंगे मतलब चाइना इनको हटा सकता है। और ताइवान का भी मुद्दा गर्म है समझिए ताइवान का, और G20 अभी सबमिट खत्म हुआ है तो ये सब उथल पुथल चल रहा था तो ये सब भी बताया गया है। और G20 अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत में G20 अब कब हो सकती है, तो आपको देखने को मिलेगा अब G20 मतलब जो है तो ये 20 साल बाद ही होगी, जो मतलब जितने भी कंट्री उससे जुड़े हुए हैं उनमें G20 सम्मेलन होगा, फिर भारत में अभी 23 में हुआ है तो 2043 में हो सकता है ये बताया जा रहा है मतलब कि, तो ये आप समझ सकते हैं G20। तो इनके वजह से भी जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आ सकते हैं, तो ये भी एक कारण में बताया जा रहा है। तो ये पूरा टॉपिक था मैंने जो पूरा आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।